टिप्स फॉर बेटर ब्रीदिंग यस हाउ कैन बी डू ए बेटर ब्रीथिंग बाईसैक डॉक्टर सुनील तंवर कंसल्टेंट ई e एन टी एंड राइनोप्लास्टी नोज सर्जन दोस्तों बात करते हैं एक बेटर ब्रीदिंग के लिए सबसे पहले बेटर ब्रीदिंग के लिए दोस्तों जो हमारा ब्रीदिंग का एयर वे है, जो गोड ने हमारा ब्रीदिंग का जो हमारा रिसेप्शन है जो हमारा नोज है वो हमारा बिल्कुल हेल्दी नीट एंड क्लीन रहना चाहिए नंबर वन नंबर टू दोस्तों जो हमारा नोज़ है उस नोज़ के पास में जो हमारा दूसरा एसोसिएटेड सिस्टम होता है साइनस सिस्टम दैट शुड बी क्लीन वेल एरिएटेड हमारा सिस्टम होना चाहिए सो so, दोस्तों सबसे पहले जो हमारा नोज़ के अंदर जो हमारा नोज की फिजियोलॉजी है उसमें नोज को अच्छे से जो है वो एयरवे जाने के लिए हमारा सेप्टम जो है वो बिल्कुल बीच में होना चाहिए अगर आपको कोई चोट के कारण अगर आपको कोई एलर्जी के कारण या किसी भी कारण से नाक के अंदर आपको ब्लॉकेज है वो हो सकता है नेजल कंजेशन भी हो सकता है वो हो सकता है आपका डी एन एस भी हो मतलब कि नाक के अंदर का जो सेप्टम हो वो डेविटेड हो सो उस डी एन एस के कारण भी हमारा नेजल जो है ब्लॉकेज हो सकता है और हमारी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है आ, इसके अलावा दोस्तों बहुत बार हमारा सेप्टम बीच में है हमारे को कोई डी एन एस भी नहीं है लेकिन हमारी जो चीक की बोन है जो हमारा ये स्पेस है जहाँ पे साइनस है उस साइनस में फ्लूड एक्ूमुलेट है और धीरे 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 वहाँ पॉलिप्स बन गए जिसको हम साइनस नेजल पोलिपोसिस बोलते हैं तो वो जो पॉलिप हैं वो हमारा जो एयरवे है सांस का रास्ता है उसको ब्लॉक कर लेते हैं तो भी हमें क्या है कि एक ब्रीदिंग नहीं होती तो मेन हमारा दो चीज़ें हैं हमारा नोज़ क्लीन रहना चाहिए हमारे को एलर्जी की प्रॉब्लम है एलर्जी का मेडिकेशन कंटिन्यू लेना चाहिए और इसके अलावा हमें अगर साइनस की प्रॉब्लम है तो साइनस का उसका अगर मान लो डॉक्टर ने हमें सर्जरी एडवाइज़ किया है साइनस सर्जरी तो हमें वो साइनस सर्जरी करानी चाहिए इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं बाहरी कारण होते हैं उनका भी हमें बेटर ब्रीदिंग के लिए यानी दैट मीन्स हमें मॉर्निंग में अगर हम उठते हैं तो सुबह हमें आ, जो है हमें जो बेसिकली जो है वो आ, कहीं बाहर जो है आपको जो है घूमना चाहिए अच्छी स्वच्छ हवा में जहाँ पे हमें जो है हमारा जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए कुछ जो है प्राणायाम करना चाहिए आलोम विलोम करना चाहिए जिससे हमारा नोज क्लीन रहे आ, इसके अलावा दोस्तों जो हमारा रेडी जो हमारा डेली का जो वर्क है उसमें आलोम विलोम और नित्य ये जो जो हम नोज़ को क्लीन करते हैं उसके अलावा अगर आपको एलर्जी है जो आपकी मेडिकेशन है वो कंटिन्यू हमें फॉलो करना चाहिए आ, बहुत सारे पेशेंट हैं दोस्तों जिनको नोज़ सर्जरी है वो साइनस सर्जरी है उनको डॉक्टर ने अगर नज़ल वॉश बताया नजल इरिगेशन बताया है तो जैसे जल नीति या नज़ल इरिगेशन जो एक सेसे आता है उससे हमें नोज़ को क्लीन भी करना होता है और बाहर जहाँ पे बहुत सारा जो पोल्यूशन है उससे भी हमें क्या है कि बचाव करना होता है और <coughs> अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल और सेडेटिव कोई मेडिकेशन हैं उनको भी क्या है बिना डॉक्टर की सलाह से आपको अवॉइड करना होता है और इसके अलावा दोस्तों बेटर ब्रीदिंग के लिए तो अगर आपको शॉर्ट नेक है अगर आपकी गर्दन छोटी है तो आपको जो है पिलो यूज़ में नहीं लेके और आपको जो है स्ट्रेट वे में थोड़ा सोना चाहिए करवट लेके भी आप सो सकते हो क्योंकि अगर बहुत सारा आपको जो है बहुत बार क्या है ओबेसिटी बी एंड टमी जब आ जाती है तो वो भी एयरवे को ब्लॉक करती है तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम हमारा एक बेटर हेल्दी एयरवे हम रख सकते हैं अगर आपका नोज़ ब्लॉक है तो आप एयरवे जो है नेजल डिकनजिस्टेंट ले सकते हो होम रेमेडीज़ के अंदर जो है आपको जो है वो जो है वो कपूर होता है या बहुत सारे जो है ऐसे जो है रेडीमेड प्रिपरेशन भी आती हैं जो एज ए वेपर जो है आप जो है वो ले सकते हो भाप आप ले सकते हो जिससे क्या है कि जो है आपको एयरवे अच्छे से बेटर आपको रहे आ, प्रेगनेंसी में बहुत बार क्या होता है कि जो हमारा एयरवे जो है वो नोज़ के अंदर हमारा डी नहीं होता उसके बाद भी प्रेगनेंसी इंड्यूसड डाइनेट के कारण हमारा नेजर ब्लॉकेज होता है तो उस टाइम पे आप सेल ड्रॉप्स भी आप नोज में डाल सकते हो बिकॉज जो हारमोनल जो है वो चेंजेज होता है एंड बहुत एक्सट्रीम है तो कुछ मेडिकेशन भी आप जो है वो कंटिन्यू आप ले सकते हैं सो so दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जिससे आप अपना बेटर जो है अच्छे से एयरवे आप पा सकते हो एंड रियली really, this information regarding the tips of a better healthy airway useful for you you can share it to your family friends and colleagues just to create awareness regarding the breathing tips thank you